हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवीस क्रिएशन आज मैं 36 इंच ब्लाउज के बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो जिसके लिए मैं ये लेंथ ले ली हूँ 15 इंच और फिर चेस्ट ले ली हूँ 36 का चौथा विभाग 9 इंच और डेढ़ इंच प्लस करके साढ़े दस इंच टोटल शोल्डर ले ली हूँ सेवन इंच और आराम होल भी मैं सेवन इंच ले ली हूँ फिर इसके ऊपर मैं कटिंग नहीं करूँगी तो सबसे पहले मेन फेब्रिक के साथ ये अस्तर कपड़े को अटैच कर लूँगी आप लोग चाहें तो इससे पहले वो ऊपर का जो बोट बोटनेक का शेप है उसको कटिंग करके सिल सकते हैं मैं इधर बाद में ही करूँगी तो ऐसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से स्टिच करके आ, इसके साथ जॉइंट कर लेना है अस्तर कपड़े के साथ मेन फेब्रिक को फिर आगे आप लोग को दिखाती वो हो गया है मेरा स्टिचिंग आप साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर लूँगी नीचे साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग नहीं करना है बस ऊपर साइड तरफ बाकी तीनों तरफ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लूँगी ये देखिए कटिंग करने के बाद अब मैं पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ तो पेपर पेस्टिंग के ऐसे डबल फोल्ड करके मैं पिन अटैच कर लूँगी तो चलिए इसके ऊपर पहले ड्राइंग कर लेती हूँ तो सबसे पहले नेक विथ लूंगी साढ़े तीन इंच नेक लेंथ लूंगी साढ़े तीन जो नेक का शेप रहेगा और चौकोन बॉक्स खींच लूंगी ठीक है ये ऐसे बोट नेक का भी शेप दे दूंगी फिर एक इंच नीचे निशान लगाऊंगी और उसके बाद छः इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर ये वाला जो वर्थ लूँगी नीचे का तो सबसे पहले तीन इंच पे निशान लगाऊंगी इसके बाद चौकोन बॉक्स खींच लूंगी सीधा लाइन ड्रॉ के कि उसके बाद जैसे वाटर का ड्रॉप रहता है उस टाइप का मैं शेप दे दूंगी और उसके बाद फिर बाहर तरफ और एक मैं निशान लगाऊंगी तो ये ढाई इंच पे नीचे से निशान लगाऊंगी और थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए फिर मिला दूंगी ऊपर में एकदम मिलाना नहीं है आधा इंच की दूरी रखना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है लेकिन इसके ऊपर कटिंग नहीं करूँगी तो पेपर पेस्टिंग के ये सेंटर पॉइंट पे मैं निशान लगा दी हूँ आप देखिए फिर पिन अटैच कर लूँगी सेंटर ऐसे रख के और नीचे का जो निशान है इसको ऊपर में ड्रॉ कर लूँगी देखिए क्योंकि नीचे का जो ड्राइंग का निशान है पूरा पेपर पेस्टिंग पे छापना है ऐसा करके ये हो गया है अब इधर भी मैं इसका छाप दे दूंगी और फिर ये वाले लाइन को डार्क कर लूंगी ऐसे डार्क कर लेना है ये देखिए ये हो गया है अब बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लूंगी मैं ड्रॉ करने के बाद ये हो गया है मेरा कटिंग इसको बहुत ही धीरे धीरे काटना है ताकि आगे पीछे ना हो जाए फिर ये वाला मैं कपड़ा ले ली हूँ इसके ऊपर वो जो पेपर पेस्टिंग कटिंग करके रखी थी इसको रखूँगी और प्रेस करके चिपका लूँगी और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक पैर के मार्जिन जैसा थोड़ा बहुत कपड़ा छोड़ना है मैंने जैसे आधा इंच इस टाइप का कपड़ा छोड़ना है और छोड़ने के बाद कटिंग कर दूंगी ये प्रेस हो गया है और चिपक चिपक भी गया है इसके बाद जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है साइड का चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लूँगी पीछे साइड से ऐसे फोल्ड कर लूँगी धीरे धीरे करके गोल घुमाते घुमाते इसको फोल्ड कर लेना है ये देखिए जैसे फोल्ड कर रही हूँ ये पूरा मेरा फोल्ड करना हो गया है ठीक है ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगा तो इसके पहले मैं ऊपर से जो गोल निशान दे दी हूँ बोटने का इसी गोलाई के ऊपर से पहले स्टिच कर लूँगी और उसके बाद फिर कटिंग कर लूँगी क्योंकि पहले ही कटिंग करूँगी तो कपड़ा अस्तर कपड़ा और मेन फैब्रिक कम ज़्यादा हो सकता है छोटा बड़ा हो जाएगा इसीलिए सिलाई लगाने के बाद ही करना है और छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि आसानी से जब आ, कुछ भी करूंगी पाइपिंग दूंगी या तुरपाई करूंगी तो फोल्ड हो जाए फिर इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और इसका तो सेंटर पॉइंट में निशान है ही ये देखिए बैक साइड में ऐसे रखना है और रखने के बाद फिर मैं पिन लगा दूंगी और पिन लगाने के बाद इसमें अटैच करूंगी धीरे धीरे करके चारों तरफ से स्टिच करके अटैच कर लूँगी तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह के और भी अच्छा अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए चलिए मेरा स्टिच हो गया है अब अंदर का जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है थोड़ा बहुत कप मैने फेब्रिक बचाते हुए बाकी को कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो अब ऐसे इसको थोड़ा नाखून से प्रेस कर लेना है पलटने के लिए तो अच्छे से पलट जाता है ये देखिए हो गया है अब इसमें सिलाई लगा दूंगी अंदर तरफ से स्टिच करूंगी, बाहर तरफ से स्टिचिंग बाद में करूंगी। तो पहले अंदर तरफ से ऐसे स्टिचिंग कर लेना है धीरे धीरे करके ऐसे घुमाते हुए स्टिच करना है जल्दबाजी में ये डिज़ाइन बिगड़ जाता है तो हो गया है ऊपर का स्टिचिंग अब इधर से मैं लेस सहित स्टिचिंग करूंगी ठीक है आप लोग चाहे तो एक बार पहले स्टिच कर सकते हैं उसके बाद इसके ऊपर से लेस अटैच कर सकते हैं तो मैं इधर अलग से और नहीं कर रही हूँ एक ही साथ स्टिचिंग कर लूंगी धीरे धीरे करके ऐसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको स्टिच कर लेना है ये देखिए हो गया है और इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी ताकि फिनिशिंग आ जाए उसके बाद मैं क्रॉस पट्टी ले ली हूं कॉन्ट्रास्ट कलर का जैसे नीचे मैं डिजाइन डाली हूं उसी कपड़े से क्रॉस पट्टी ले ली हूँ और उसी कपड़े से मैं पाइपिंग दूंगी फिर इसको डबल फोल्ड करके पहले एक फोल्ड करके स्टिच लगा लेना रहता है लेकिन मैं एक ही साथ एक ही बार में मैं इसको पाइपिंग जैसा घुमा लूंगी अलग से और स्टिच नहीं करूंगी ये देखिए ऐसे धीरे धीरे करके घुमाते हुए पाइपिंग को देना है ज्यादा खींचना नहीं है फिर खिंचाव आ जाता है गले में नेक का जो डिजाइन रहेगा अब दोनों साइड से मैं टक्स लगा दूंगी तो पहले मैं पाँच इंच साढ़े चार इंच पे निशान लगाई थी टक्स लगाने के लिए लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से मैं साढ़े पाँच इंच पे टक्स लगा रही हूँ मैं पहले भी बोलती हूँ पहले से ही बोलती रहती हूँ कि टक्स डिज़ाइन के हिसाब से लगाना चाहिए फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा फेब्रिक को रखी थी इसको फोल्ड कर दूँगी तो बाद में इसमें तुरपाई करूँगी अलग से इसमें कमर पट्टी अटैच नहीं कर रही हूँ उसके बाद चौकोन पीस ले ली हूँ चार बाई चार का और इसको ऐसे त्रिकोण शेप में फोल्ड करके फोल्ड करने के बाद फिर स्टिच कर लूँगी जैसे नॉर्मल लटकन बनाते हैं कपड़े का सेम ऐसे ही कर लेना है और फिर इसको सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद इसको लटकन बनाऊंगी। डोरी नहीं डालूंगी इसमें बिना डोरी का ही मोती डाल के ये लटकन को मैं बनाऊंगी। तो इसमें चार ठोक मोती दूंगी आप लोग को ज़्यादा अगर बड़ा नहीं चाहिए तो दो मोती भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर चार मोती यूज़ करूँगी उसके बाद इसमें ये जो बीज वाले हिस्सा है इसमें ये देखिए अटैच कर देना है सुई धागा के मदद से ठीक है ये देखिए मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए जिन लोग मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए आज के लिए यहाँ तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नया डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू